पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि मुझे लंदन जाना है, पापा वहां पे किडनैप हो रखे हैं, और ये पलकी और राजवीर की मासी बिना बात की बात बना रही है, जबरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है यहाँ पे ये लोग। वरुण ओ प्लीज हाँ, ये ड्रामा करना प्लीज बंद करो, एज इफ तुम्हारा असली चेहरा हम नहीं जानते। सो प्लीज हाँ, बनो मत, तुम एग्जैक्टली जानते हो कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। शनाया, ये क्या तरीका है घर के दामाद से बात करने का? दामाद? कौन सा दामाद? अरे इस दामाद पे इतने इल्जाम लगे हैं और फिर भी तुम इसे अपना दामाद कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा निधि कि क्यों जबरदस्ती तुम काव्या की शादी इस जल्लाद से कराना चाहती हो। तुम उसकी माँ ही हो ना, तुम्हारी ही बेटी है ना काव्या। कौन सी माँ चाहेगी कि अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दे जिसकी पहले से शादी हुई हुई है। देखो निधि, हम जो भी कह रहे हैं सच है, और हम जो भी कर रहे हैं काव्या की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे अगर तुम काव्या की माँ हो ना, तो तुम्हें तो पहला इंसान होना चाहिए जो बोलता कि मैं काव्या की शादी इस लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। एग्जैक्टली निधि जी, आप तो काव्या की माँ है ना, तो आपको तो उसके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। आपको वरुण के बारे में सबसे पहले छानबीन करनी चाहिए थी कि लड़का कैसा है। इसके ऊपर जितने सारे इल्जाम लगे वो सच है कि नहीं, आपको देखना चाहिए था। हम तो बाहर वाले हैं ना, हमको क्या फर्क पड़ता है कि ये शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन आपको देख के लग रहा है कि एवरीथिंग इज सो नॉर्मल, लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। घर में जितने सारे मेंबर्स हैं, सब लोग इतने परेशान हैं, लेकिन आपके माथे पे परेशानी की एक शिकन तक नहीं है। इतना बड़ा सच आपके सामने आने के बाद भी आप कुछ नहीं कह रही, सबसे बड़ा कदम तो आपको उठाना चाहिए था। जस्ट शट अप, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, मेरे माँ होने पे सवाल उठा रही हो? तो जी उठा रही हूँ, क्योंकि आपके फेस पे मुझे सच दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। आप ये सब कुछ इसीलिए कर रही है, आप वरुण को सपोर्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ राजवीर की मासी के खिलाफ जाना चाहती है। पता नहीं आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये सब कुछ कर रही है ना, कि वरुण के साथ काव्या की शादी करवाने की जो कोशिश कर रही है ना, ये उनसे कोई बदला लेने के लिए कर रही है आप। Enough is enough. एक शब्द और बोलो ना तुमने तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। आप ऑलरेडी बहुत कुछ करके बैठ गई है, अभी बताए आप क्या कर रही है, एक गलत लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश कर रही है। मुझ पे ब्लेम लगा रही हो, मेरे घर में खड़े होके तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो? तो फिर आप राजवीर की मासी की बात मान क्यों ले लेती है? वो जो भी कह रही है आपकी बेटी की भलाई के लिए कह रही है, आप क्यों नहीं मान रही है ये बात? पता है आप क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि राजवीर की मासी जो भी बोलेगी आपको बस उसका ऑपोजिट कह रहा है। अगर वो बोलेगी कि ये चीज बुरी है तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि दिस इज योर मेंटालिटी। बस Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।